एक समय ऐसा भी था जब भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा नहीं था। आज धरती पर 7 महाद्वीप हैं, लेकिन लाखों साल पहले ये 7 महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे और धरती पर सिर्फ एक महाद्वीप था जिसको आज के वैज्ञानिकों ने नाम दिया है पैंजिया। और इस पैंजिया नाम के सुपर कॉन्टिनेंट के चारों तरफ सिर्फ एक महासागर था जिसका नाम रखा गया पैथालासा। धरती पर समय समय पर बदलाव होते रहते हैं और इन्हीं बदलावों के कारण पैंजिया नाम का ये सुपर कॉन्टिनेंट धीरे धीरे टूटने लगा। इस धरती पर 7 से 8 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो समय समय पर खिसकती रहती हैं और अपनी जगह बदलती रहती हैं, और इन्हीं प्लेट्स के खिसकने के कारण पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट टूटा और बीच से टूटकर 2 हिस्सों में बदल गया, जिसके एक हिस्से को लॉरेशिया और दूसरे को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। उत्तरी हिस्से लॉरेशिया से आगे चलकर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप बने। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय भारत एशिया का हिस्सा नहीं था और तब भारत गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था, जबकि एशिया लॉरेशिया का। तब भारत ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे भारत ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से टूट गया और वह एशिया की तरफ बढ़ने लगा। वह तब तक बढ़ता रहा जब तक आज के लद्दाख वाले हिस्से से जाकर मिल ना गया। इसी टकराव के कारण हिमालय का जन्म हुआ, क्योंकि जब धरती की 2 प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो जो हल्की प्लेट होती है वह ऊपर की ओर उठती है और भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है। इसी तरह जब भारत लद्दाख से टकराया और हल्की वाली प्लेट ऊपर की ओर उठी तो हिमालय का जन्म हुआ। आज भी हिमालय की ऊंचाई हर साल बढ़ती जा रही है और इस कारण से अक्सर भारत और नेपाल में भूकंप के झटके भी आते रहते हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वारिधि मंथन परिवार का हिस्सा बनें।